नमस्कार, स्टार 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इमरान अंसारी। आज हम बात करेंगे चेंबूर के बारे में। चेंबूर के बारे में एक ओवरव्यू ऑन चेंबूर और दूसरी चीज़ चेंबूर की जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं चेंबूर। चेंबूर जो है उसको 1945 के अंदर में 1945 के अंदर में मुंबई शहर के अंदर में उसका समावेश किया गया और चेंबूर एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में वहाँ पर जो है कॉलोनीज़ बनाई गई और कॉलोनीज़ भी इस तरीके से बनाई गई कि वहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरियाज़ के अंदर में जो लोग हैं वो लोग चेंबूर के अंदर में रहने के लिए उनकी कॉलोनीज़। उसके बाद चेंबूर जो है इट वॉज़ ए पार्ट ऑफ रेफ्यूजी कैंप, इट वॉज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ ए रेफ्यूजी कैंप। पार्टीशन के बाद जो रेफ्यूजी कैंप सेटअप किए गए उस सेटअप करने के अंदर में चेंबूर जो था वो एक एरिया ऐसा था जिसके अंदर में रेफ्यूजियंस को रखा गया और उसके बाद कई वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होते गए। और आज जो गोल्फ क्लब है, जो प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब, उसका जो स्थापना हुई थी वो 1827 के अंदर में हुई थी और एशिया का लार्जेस्ट गोल्फ क्लब जो है वो चेंबूर के अंदर में स्थित है। अब बात करें चेंबूर में आरके स्टूडियो, फिल्म इंडस्ट्री, के जो जाने माने कपूर फैमिलीज़ है, वो कपूर फैमिलीज़ जो है वो भी आरके स्टूडियो आपको चेंबूर के अंदर में ही देखने को मिल सकता है। और बहुत सी फेमस चीज़ें हैं चेंबूर के अंदर में, जैसे कि गांधी मैदान है, अंबेडकर उद्यान है, डायमंड गार्डन है, और अगर आप खाने के बड़े शौकीन हैं तो जामा स्वीट्स है, विग रिफ्रेशमेंट है। ये ऐसे जगह है जहाँ पे आपको लजीज खाने और लजीज मिठाइयाँ जो है वो मतलब वहाँ पे मिल सकती हैं आपको। 1955 से ले कर 1958 के अंदर में यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई गई और हाउसिंग कॉलोनीज़ की स्थापना उस वक्त हुई। चेंबूर में आपको अन्ना भाऊ साठे उद्यान वो भी है यहाँ पर, और एक म्यूनसिपल स्विमिंग पूल जो है वो भी एक बचपन में हम देखते थे कि वहाँ पे होता था। उसके बाद में वो स्विमिंग पूल बंद हो गया, जिसको अभी अभी जो है स्थानिक जो आमदार प्रकाश पातरफेकर जी ने इसको फिर से मरम्मत करके इसको बना के फिर से लोगों के लिए शुरू कर दिया। अब आइए चेंबूर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। चेंबूर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एम वेस्ट वार्ड है वहाँ पर। डीसीपी जोन की अगर आप बात किए जाए तो ये जोन 6 डीसीपी जोन के अंदर में पड़ता है, जिसके अंदर में आपको चेंबूर पुलिस स्टेशन, आरसीएफ पुलिस स्टेशन, तिलकनगर पुलिस स्टेशन, चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन और गोवंडी पुलिस स्टेशन, आपको ये पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के अंदर में डीसीपी जोन 6 जो है उसके ज्यूरिडिक्शन में ये पुलिस स्टेशन आते हैं। अब वार्ड की अगर बात कर लिए जाए तो चेंबूर का जो वार्ड है वो बीएमसी वार्ड क्रमांक 150, बीएमसी वार्ड क्रमांक 152, 153, 154 और 155। इसके अंदर में जो दो सीटें हैं वो शिवसेना के खाते में है, दो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है। और इस वक्त वहाँ पर जो स्थानीय आमदार है वो शिवसेना के है, जिनका नाम प्रकाश पातरफेकर जी है। चेंबूर की राजनीतिक दृष्टि की तरफ अगर ध्यान दी जाए तो यहाँ पर ये सीट हशु अडवाणी जी जो है उन्होंने 3 बार जो है हशु अडवाणी जी यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं और उनके किए हुए काफ़ी कार्य, जैसे कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज मुंबई के टॉप कॉलेजेस और स्कूल्स की श्रेणी में आता है, तो उसका निर्माण इन्होंने किया। काफ़ी और भी चीज़ों का निर्माण हशु अडवाणी जी के कार्यकाल में हुआ। हशु जी के बाद ये सीट जो है वो प्रमोद शिवलकर जी जो है वो आमदार रहे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे। उसके बाद जब यहाँ पे चुनाव हुआ तो 2009 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 2009 के चुनाव के अंदर में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत हंडोरे जी यहाँ पे विजयी रहे और सेकंड पोजीशन जो थी वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अनिल बच्चू भाई चौहान जी की थी। उसके बाद आइए 2014 का चुनाव। तो 2014 के चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई की युति में ये सीट जो है ये दीपक भाऊ निकाल जी यहाँ से बीजेपी और आरपीआई से कंटेस्ट किए, जबकि शिवसेना ने ये सीट अकेले लड़ी, तो शिवसेना प्रत्याशी श्री प्रकाश पातरफेकर यहाँ से विजयी रहे। अब जबकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो है देने के मूड में है। शिवसेना के प्रकाश भाऊ पातरफेकर जो है वो अपने कामों को लेकर,
काफ़ी मतलब जो है कॉन्फिडेंस है और वो जनता के सामने जाके उनको पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें उनके कामों के बेस पे विजय बनाएगी। वहीं कांग्रेस जो है उससे चंद्रकांत हंडोरी जी जो है उनकी प्रबल दावेदारी है कि उनको मतलब कांग्रेस के टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदारी उनकी है। अब जबकि चुनाव जो है वो हम देख रहे हैं तो उसमें मतलब यहाँ पर काफ़ी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से भी काफ़ी उम्मीदवार जो है वो इच्छुक है। शिवसेना से प्रकाश भाऊ फातर फेकर सिटिंग MLA है और वो अपने कामों के बुनियाद पर उनको मतलब पूरा विश्वास है कि मैं ये सीट जो है ये मैं फिर से जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी। उसके अलावा अगर हम जनता का मतलब मूड देखें तो चेंबूर की जनता जो है यानी कि आप चेंबूर की जनता जो है वो सिर्फ कामों के लिए मतलब जानी जाती है, वो सिर्फ ये जानी जाती है कि कौन हमारा विकास कर सकता है, कौन हमारा काम कर सकता है, कौन चेंबूर को एक वर्ल्ड क्लास चेंबूर बना सकता है। बस ये वर्ल्ड क्लास चेंबूर जो है यही चेंबूर की जनता चाहती है और चेंबूर की जनता यही चाहती है कि कोई भी जो है वो हमारा विकास करे, हमारा काम करे। अब ये आने वाला वक्त ही बता सकता है कि चेंबूर की जनता किसे अपना सेवक बनाएगी। वैसे ही चेंबूर विधानसभा जो है उसका सेवक कौन होगा, उसका अगला MLA कौन होगा, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं इमरान अंसारी बार बार आपके सामने Star 24 न्यूज़ के माध्यम से इसी तरीके से आता रहूँगा और हर चीज़ के ऊपर में हमारी नज़र बनी हुई रहेगी और हम जो सच्ची खबरें हैं वो आपको हमेशा दिखाएंगे अपने Star 24 न्यूज़ के माध्यम से। और एक चीज़ मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि किसी भी न्यूज़ को या किसी भी जर्नलिस्ट को प्रोत्साहन मिलता है उसके दर्शकों से, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका लाइक, आपकी सब्सक्राइब और आपका व्यू ये हमें प्रोत्साहन देगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा प्रोत्साहन जो है वो बढ़ाइए।